वाला है और साथ में जो प्रोग्राम होने वाला है, क्या कहेंगे उसके लिए? खातिन फिल्म हमारा प्लस अपना कंपनी की जो एनिवर्सरी हमारे तो सब गेट टुगेदर बहुत अच्छे से हमने किया है और हम नहीं लगती है कोई कमी है और दे ऑल गेट टुगेदर गुड विशेस। सर किस तरह की तैयारियां है तीनों फिल्मों को लेकर? तीनों फिल्मों वन मूवी तो वन फिल्म के ऑलरेडी 70% स्टार्ट होमवर्क फॉर एंड सेकंड टू इज ऑल्सो साइंड स्टोरी वर कम्स। अमरीश जी आपको शेयर करना चाहेंगे? हाँ मैं बता दूं जो कि हमारे कंपनी के सीईओ साहब अशोक प्रसाद जी जो कि मैंने पहले भी बताया कि आईटी सेक्टर से कदम रखे इन्होंने और आज यहाँ तक पहुँचे और सबसे खुशी की बात है कि इन्होंने वो सब्जेक्ट चुना जो किसी ने सोचा नहीं था, मैं उसके लिए धन्यवाद बोलता हूँ। और इन्होंने दूसरा सब्जेक्ट चुना लाल बाबू पंडित जी को लेके, खेसारी लाल जी को, वो भी अभी पहुँच रहे हैं, सब लोग पहुँच रहे हैं और मैं धन्यवाद करूँगा कि मैं और मेरी भोजपुरी और मेरी इस हिंदी इंडस्ट्री को सभी को ये बढ़ावा दे रहे हैं, आने वाले कई प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसका बहुत बृहद प्लानिंग हो रहा है, तो मैं धन्यवाद करूँगा इस कंपनी का जो कि इनॉग्रेशन हो रहा है और मुझे कुछ पार्ट इन्होंने सौंपा है। मैं लाख लाख कोटि कोटि फिर से प्रणाम करता हूँ, ये कंपनी फले फूले और खूब आगे बढ़े। खेसारी जी को लेके फिल्म के पीछे का सर जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे आपने ऊपर उठा लो ऊपर दिया और कैसे वो तैयार हुए इस अभिनेता से राजनेता है तो ऑलरेडी डिनर शो ले रहा है कि सब लोग ऑलरेडी डान ही थे तो यस्टरडे वी मेट और अनदर प्लान वेरिफिकेशन है नेक्स्ट प्लान हमारा मराठी मूवीज में हम ये लिखेंगे महेश मांजरेकर जी निखिल जी कुछ शेयर करना चाहेंगे क्या है मराठी और प्रसाद जी का जो फर्स्ट अभी इनोग्रेशन जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद मेरे ख्याल से भोजपुरी मूवी के बाद एक मराठी मूवी बहुत बड़े अच्छे मैगाने पे बहुत बड़े अच्छे मूड पे वो निकालने वाले हैं। उनको तीन दिन पहले ही उन्होंने माननीय जी के साथ भी बात की थी, उसमें मराठी मूवी के लिए उनकी बात चालू है, भोजपुरी का जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा आगे चल के वो मराठी मूवी के लिए आना चाहिए। अशोक जी मैं जानना चाहता हूँ हिंदी में सबको बताइए कि फिल्म बनाने का कैसे प्लान किया था? फिल्म हम पहले बचपन में बहुत फिल्म देखते थे, फिल्म से बहुत लेसन मिलता था हमें, तो हमें लास्ट फाइनली हमने सोचे अगर हमको थोड़ा सा मैसेज मिल सकता तो सोसाइटी अगर हम वो चीज़ कंटेंट क्रिएट करें तो सोसाइटी की तरफ से हम ऑडियंस को मूवी की तरफ से ऑडियंस को एक इंस्पायर कर सकते हैं। भोजपुरी मुझे सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट था। भोजपुरी इंडस्ट्री जहाँ से ये हमारा शुरुआत है स्टार्ट पॉइंट हम बोल नहीं सकते और बहुत अच्छा लगे भोजपुरी में लोगों को अलग अलग एंगल से देखने के नजरिया है, लेकिन मुझे लगता है ये सब देखने की एंगल अलग है इसलिए लोग अलग गलत सोचते हैं, वो काफ़ी सारा एडल्टरी है वल्गरिटी है लेकिन सोचने की तरीका अलग है बहुत सुंदर इंडस्ट्री भोजपुरी को डायलॉग बोलना चाहेंगे एसोसिएट मुझे आता नहीं थैंक यू लेकर आए भोजपुरी इंडस्ट्री को, आपका ओपिनियन क्या है, क्या कुछ कहना चाहेंगे भोजपुरी? मैं सबसे पहले तो आप सबको बधाइयां देना चाहता हूँ, सर जी को बधाइयां देना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा ये मनोरथ किया है उनको उसके लिए बधाई है, मगर मैं आपको एक बात बहुत खास बताना चाहूँगा कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो किसी हिंदी इंडस्ट्री से कम नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये भी जो फिल्म आप करने जा रहे हैं जो भी हो रहा है बराबर चलेगी, बहुत इनको बहुत बहुत बधाइयाँ और मीडिया वालों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप लोग सारे आए हो और इसको अच्छे ढंग से प्रमोशन करो कि लोग बाग जल्द से जल्द ये फिल्म को देखने की कोशिश करें। लगा हुआ प्रोडक्शन जी आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रोडक्शन नंबर 2 का आज ओपनिंग हुआ है और हमारे भोजपुरी के लिए गवर्नमेंट बड़ी कंपनी आ रही है और आ ही गई है आज से हम लोगों ने ओपनिंग किया है और हमारी तरफ से और पूरी भोजपुरी समाज की तरफ से भैया के लिए वेलकम है कि ऐसे ऐसे लोग आएंगे तो हम बेहतर सिनेमा कर पाएंगे, क्योंकि हमारा थोड़ा सा है प्रॉब्लम कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल बहुत कम है
लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने कोशिश करके अपने भोजपुरी को जिंदा रखा है। तो ऐसे ऐसे जब लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी फायदा होगा और भोजपुरी समाज को फायदा होगा, हमारी भाषा को फायदा होगा। अशोक जी कुछ कहना चाहेंगे? खेसारी जी को हमने अप्रोच किया तो क्या रिएक्शन था उनका? अच्छा से लोगों से काम करने का मौका मिल रहा है। खेसारी जी, अशोक जी मेरे ख्याल से इस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करते, फिर भी भोजपुरी इंडस्ट्री को इतनी तीन तीन फिल्में देने जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे प्रोड्यूसर भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए आने चाहिए या? एक्चुअली मैं अशोक भाई से मैं जब पहली बार कल ही मिला था, कल मिलने के बाद मुझे नहीं लगा कि हमारे भाषा से नहीं है, क्योंकि इतना प्यार मिला मुझे इनके ऑफिस में जाने के बाद कि लग रहा था कि एक बड़े भाई के ऑफिस में एक छोटा भाई आया है। तो ये हमारे लिए प्रोड्यूसर नहीं, एक बड़े भाई की तरह भूमिका में है, और हमारी भाषा के नाम होंगे भी हमारी भाषा के लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अशोकिया के, अशोकिया की टीम के जितने लोग सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इन लोगों ने हमें सोचा है और हमारे भोजपुरी भाषा के लिए सोचा है, तो कहीं ना कहीं ये गार्जियन स्वरूप है भोजपुरी के। लाल कदम मुगल का और सवाल बा कुछ पूछना है? कुछ लाल ना कुछ बोलते रहिए, आपने अपने बारे में बोलिए। सारी भाई सर भाई इधर कुछ कंट्रोवर्सी पूछ लो। 2024 पीछे हो जा भाई, हम लोग को डिस्टर्ब हो रहा है। क्या क्या है आपके अगर बात करें? भाई डिस्टर्ब नहीं है, फिल्म में है जो डबिंग बाकी है, जो फिल्मों का डबिंग हो भी गया है, जो 2 तारीख को एक सिनेमा रिलीज हुई है सीधा कर रखना मेरा और मरपाली जी का, सार के म्यूजिक से वो लॉन्चिंग है उस सिनेमा की। 2 तारीख को ऑल ओवर इंडिया लग रही है उस सिनेमा, कई जगह तो मल्टीप्लेक्स में भी लग रही है, तो हमारे लिए खुशी की बात है। और सारी सिनेमा है, जैसे मैंने लालो सर का किया है, सत्रहवीं फिल्म होगी ना आपके साथ, 7वीं फिल्म इनके साथ में कर रहा हूँ लालो पंडित जी के साथ, इनकी भी एक फरिश्ते फिल्म शूट हो गई है, बस डबिंग बाकी है उसका, रूली सजा कर रखना रिलीज पे है 2 तारीख का। उसके बाद कई सारी प्रोजेक्ट हैं जो कि लाइनअप है, हमारे विजय यादव जी का एक प्रोजेक्ट है हमारा बोल रहा था बोल, वो भी रिलीज पे है, राजा की आएगी बरात रिलीज पे है, उसके बाद और सिनेमा है, 6 सिनेमा है, अंदाज है, तो लगातार सिनेमा है जो कि रिलीज पे है, सबका डबिंग बाकी है, तो धीरे धीरे सब लोग सब रिलीज करेंगे। आज जो कंपनी लॉन्च हो रही है ये किस टाइप की कंपनी है, इसमें कितने प्रोजेक्ट आपके रहेंगे, भोजपुरी के रहेंगे, हिंदी के रहेंगे, वेब सीरीज रहेगी क्या? मैं आ गया तो पूरी भोजपुरी आ गई नहीं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं नरक का राजा बनना पसंद करता हूँ, स्वर्ग का नौकर। अगर उतनी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी तो मैं जरूर करूँगा, लेकिन मेरे लेवल की चीज़ें होनी चाहिए, मैं जहाँ हूँ वहाँ तो राजा हूँ ही ना। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं बाकी अदर लैंग्वेज के लोगों को अपनी भाषा में लेके आऊँ और वो लोग भी यहाँ काम करें और हमारे भाषा को जो प्राथमिकता मिलती है उससे भी ज़्यादा मिले, तो मेरी कोशिश यही है। काजल राघवानी नजर नहीं आ रही आपके साथ, दर्शक बहुत इंतजार करते हैं आपके जोड़ी काजल राघवानी। कितना नजर आएगी कब से कम अब सबका एक टाइम होता है, सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमसे दूर हम उनसे दूर, हमारे भाषा में जो जो लोग काम कर रहे हैं सब एक दूसरे के पूरक है, सबका एक समय होता है, टाइम होता है, समय के साथ सब कुछ होता है, समय के साथ ही इंसान को चलना भी चाहिए, तो जब समय आएगा तो फिर करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करना है। केसारी जी हाथ कोई बोलूं माया नगरी है, कब कोई क्या बन जाता है किसी को नहीं पता, कोई ऐसा आपका मौका है जो पूरा नहीं हुआ आपकी फिल्म लाइफ में, इसके साथ मुझे काम करना है अमिताभ शाहरुख सलमान कोई ऐसी फिल्म है? मैं सपना नहीं देखा जी, मैं सपने में जीने वाला आदमी नहीं, फिर भी कोई ऐसा ड्रीम नहीं, मेरा ड्रीम है ही नहीं, मेरा ड्रीम एक ही है कि मुझे काम करना है। बॉलीवुड में किसके साथ, अगर आपसे मैं पूछता हूँ बॉलीवुड में आपका फेवरेट स्टार कौन है, इसके अलावा काम करना चाहेंगे? हमारे लिए बॉलीवुड जब देखा जाए तो हमारे लिए रवि किशन ही, हमारे लिए बॉलीवुड हमारे मनोज तिवारी ही, हमारे रवि के दिनेश लाल यादव ही। अक्सर सलमान शाहरुख से परहेज क्यों आता है? नहीं नहीं परहेज मुझे किसी से नहीं है एक्चुअली, देखिए सबसे बड़े जो सपने हैं जो चीज़ें हमारी है जहाँ मैं हूँ उस लेवल पे मैं उसको काम कर रहा हूँ, तो क्या ऐसा थोड़ी है कि सलमान सर से मैं नहीं मिला, उनसे भी तो मिला ही हूँ बिग बॉस में, ठीक है काम करना नहीं करना मैं जहाँ हुआ तो कर ही रहा हूँ, और मुझे अपने भाषा में ज़्यादा खुशी मिलती है क्योंकि इसी मिट्टी ने मुझे इस लायक बनाया है,
जहाँ आप सवाल कर रहे हैं, इस लायक अगर मैं बना हूँ तो मेरी मिट्टी ने और मेरे भाषा के लोगों ने मुझे इतना बड़ा किया है। तो मैं सपना भी देखता हूँ तो भोजपुरी में 35 करोड़ जनता है, 8 करोड़ जनता लेकर अगर तेलुगु फिल्म आज पूरे हिंदुस्तान पे राज कर सकता है तो हम 35 करोड़ जनता लेकर राज नहीं तो कब राज करेंगे। तो इसी में हम कोशिश करेंगे कि हम 35 करोड़ जनता को अपना सिनेमा दिखा दें और 35 करोड़ जनता को अपना गाना सुना दें। बॉलीवुड में कौन सी फिल्म में मतलब नजर आएंगे कभी बॉलीवुड में? देखिए जब समय आएगा तो आपको पता चलेगा। मेरा अभी लाइन जितना भी है भोजपुरी का है, मैं बॉलीवुड और हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हाँ कल एक गाना मेरा रिलीज हो रहा है टीसरी से, आज तो एक हुआ था ब्लॉक हो गया करिएगा ठीक है चलते रहता है, एक मटक मटक किया था वो भी ब्लॉक हो गया तो ठीक है। अगर मुझे पढ़ाने वाले लोग हैं तो डांट घिसने वाले भी तो लोग धरती पे ही है। आपको सबसे ज्यादा क्यों भोजपुरी इंडस्ट्री में टारगेट किया जाता है? आगे मैं हूँ तो तारीफ कर लूँगा, सबसे ज्यादा आपको ही क्यों टारगेट किया जाता है? आगे मैं हूँ तो अच्छे बताओ, जिस डाल पे फल होता है पत्थर तो वही चलते हैं। 2000 लोगों का प्यार है कि मुझे इतना बड़ा बनाया सबने, मेरे जीवन की हर पल जो भी है मुझे लगता है कि मेरी जनता ही सब कुछ है और मेरी जनता मुझे प्यार करती है। 2-4-5 लोगों के टांग खींचने से मेरी जीवन खराब थोड़ी होने नहीं, मैं बर्बाद होने वाला हूँ क्योंकि मुझे काम करना आता है और मैं मेहनत करना जानता हूँ। और जब तक आप मेहनत करिएगा ये भूल जाइए आज जो नफरत कर रहा है, आज नहीं तो कल आपसे वो प्यार करेगा, बशर्ते आप अपना काम करते हैं। 2024 में क्या आप फिर से जनता के बीच में लोकसभा के रूप में जाएंगे? अभी एक सीनियर है मेरे यार, उसके बाद सर सारे जी बॉलीवुड में बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसका फायदा रीजनल जो फिल्में हैं उसको हो रहा है, आप कितना मानते हैं इसको? ये कहा जा रहा है बॉयकॉट, जहाँ तक बात है मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट होने के नाते मैं किसी का बॉयकॉट नहीं कर सकता क्योंकि वो लोग भी एक आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट होने के नाते मैं मेरे गाने का मतलब दुनिया को क्या लगती है मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग तो हमेशा प्यारे लोग हैं। भोजपुरी भाषा ही हमारा इतना प्यारा है कि वहाँ से जो भी आता है मेहनत करना जानता है, पास इर्द गिर्द जितने भी आर्टिस्ट हैं ये सब लोग मेहनत करके अपने दम पे आ, हम किसी परिवार से बिलोंग नहीं करते। जो हमारा परिवार भोजपुरी में कभी था या भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारे पिताजी या हमारे दादाजी या हमारे भाई, हम लोग तो अपने जमीन खुद ही बनाई और लोगों तक अपना चीज़ पहुँचाया और लोगों का प्यार भरपूर मिलता है, तो हम बॉयकॉट पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। आप बेहतर चीज़ दीजिएगा तो दुनिया में कोई आपको काट नहीं सकता है, मेरा मानना वहाँ आप बेहतर करते रहिए। ये मत सोचिए कि कौन आपको पीछे करना चाहता है, कौन आपका बॉयकॉट कर रहा है, कौन आपकी बुराई कर रहा है, क्योंकि आज नहीं तो मैं क्या बोला, आज नहीं तो कल आपको प्यार करने यही लोग प्यार किए थे, तो थोड़ी देर नाराज है उस नाराजगी को भी अपनाइए। हमारे शरीर में ही अगर कभी कभी तंदुरुस्त रहते हैं, कभी कभी बुखार भी होता है तो ऐसा थोड़ी है कि बुखार आएगा तो हम जान दे देंगे, ऐसा नहीं है। आपके जीवन में तकलीफ भी होती है और खुशी जो देता है तकलीफ वही देता है, तो ठीक है उस समय अगर आप उसको प्यार करते हैं तो उस दुख के समय में भी उसको प्यार करिए, आज नहीं तो कल आपका। सर जो यू साहब 2024 में आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं, 2024 में RJD की तरफ से अफवाह उड़ रही है, हमारे पार्टी है तू चुन ले लो कितनी सच्चाई है इसमें। सारी जी सारी जी अमिताभ बच्चन को दोबारा कोरोना संक्रमित हुए हैं, वो क्या कहना चाहेंगे, क्या दुआ करना चाहेंगे? देखिए हमारे लीजेंड आदमी है और मुझे लगता है कि हमारे इंडिया के भगवान है एक्टिंग के दौर में, मैं तो चाहूँगा कि हमारी भी उम्र उनको लग जाए ताकि हम उनको ज़्यादा देर तक देख सके इस दुनिया में और उनसे कुछ सीख सके क्योंकि हमने हमेशा उनसे सीखा है, तो मेरी भी उम्र उनको लगे ताकि वो ज़्यादा देर तक जिए ताकि हम उस गार्जियन को हमेशा देखते रहें। गार्जियन को कितनी सच्चाई है तो बता दीजिए। गणेश चतुर्थी आ रही है, क्या आप संस्कृति रखते हैं और गणपति बापा कृपा आप लोग कितने साल से रखते आ रहे हैं? देखिए मैं भगवान को मानता ही हूँ और मैं अपनी जनता को भी भगवान मानता हूँ, तो ये दोनों भगवान को मैं हमेशा सम्मान करता हूँ। गणपति चतुर्थी के जितने भी लोग हैं सबको मेरे तरफ से इस चैनल के माध्यम से सबको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग खुश रहें ताकि हम आपको देख कर। चलिए शुभकामना है कि पूरी दुनिया को हंसाने वाला आदमी आज हमारे बीच में फिर से लौटे। मैं राजू भैया को के स्वस्थ के लिए फिर से कामना करूंगा कि आप जल्दी से स्वस्थ होकर आइए ताकि हम जैसे छोटे भाइयों को अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहे। यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? आप प्रोड्यूसर साहब हैं और बहुत सारी फिल्में यहाँ पर आने वाली हैं, बट जो अभिनेत्रियाँ हैं वो कहीं ना कहीं ये चाहती हैं कि उनकी फीस भी बढ़ाई जाए हीरो के, तो आप क्या सोचते हैं किस तरीके से क्या कहेंगे? तो अभिनेत्रियों से ये भी कहिए कि कब से हम कहानी पे बैठे गाने पे बैठे फाइट भी करें नहीं ऐसा नहीं है, सबका फीस बढ़ रहा है, हमारी भोजपुरी बड़ी हो रही है
भाई मजाक कर रहा था, इसको कंट्रोवर्सी मत कर देना यार। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हीरो का ही फीस बढ़ता है। हमेशा से किसी भी आप रीजनल में जाइएगा या हिंदी में जाइएगा, हीरो का फीस थोड़ा ज़्यादा होता है, हीरो का नाम भी ज़्यादा होता है। हीरो कहानी पे बैठना, गाने पे बैठना, कॉम्पिटिशन पे बैठना, हाइट करना, तो होता है। बट ऐसा नहीं है कि हमारे भोजपुरी में हीरोइनों को पैसे कमाते हैं, ऐसा नहीं। जो जिस लायक है उसको पेमेंट मिलता है और मिलना भी चाहिए। मैं भी चाहूँगा कि सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, मेहनत करें। हमारी भोजपुरी जब सिनेमा बढ़ेगी तो आप इसलिए आपका पेमेंट बढ़ेगा, जब प्रोड्यूसर कमाएगा तो क्यों नहीं देगा। तो मुझे लगता है कि सबको बेहतर सिनेमा का हिस्सा बनना चाहिए, अपने डांस पे मेहनत करना चाहिए, अपने एक्टिंग पे मेहनत करना चाहिए, अपने बॉडी पे मेहनत करना चाहिए, एक प्रोड्यूसर का सहयोग करना चाहिए, कम दिन में हमें अच्छी फिल्म बनाने का धीरे रखना चाहिए। क्योंकि पर डे एक दिन का शूटिंग का कम से कम 3 लाख खर्चा होता है, 2 लाख खर्चा होता है। अगर हम टाइम से अपना सिनेमा करेंगे, 7 बजे जाएंगे, 7 बजे आएंगे, तो मुझे लगता है कि 12 घंटा काम करने के लिए बहुत होता है। तो अगर हम टाइम से शूटिंग करेंगे तो हमारा प्रोड्यूसर भी बचेगा, और प्रोड्यूसर बचेगा और प्रोड्यूसर के 2 पैसे बचेंगे तो मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर भी 2 पैसे ज़्यादा बढ़ा के आएंगे। हॉटनेस का लड़का है, आपको छोड़ दिया जाए तो दूसरा कौन सा एक्टर है इंडस्ट्री में भोजपुरी के जिसकी फिटनेस बॉडी आपको अच्छी लगती है? अभी तो आपको खुद ही पता होगा लेकिन आप बता दो ज्यादा। अच्छा ये बताइए तो क्या मैंने कि हमारा मौसा का लड़का है जो कर बॉडी देखा था क्या? भाई देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है इस दुनिया में, आपको दुनिया देखती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब आपको दुनिया देखती है और आपको अपना आइकॉन मानती है, हीरो मानती है, तो मुझे लगता है कि सबको मेहनत करना चाहिए। ऐसा तो ये कि गॉड गिफ्टेड है ये चीज, आप मेहनत करिएगा तो आप भी बना सकते हैं। और सबको कोशिश करना चाहिए कि आपको लेकर कुछ भी सोचा जा सके। अगर आप अपने आप को उतना रेडी नहीं रखिएगा, आप अपने आप को बेहतर नहीं बनाइएगा, तो आपको लेकर कुछ भी नहीं सोचा जा सकता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ भी अगर कोई सोच रहा है तो उसके कॉन्सेप्ट को रेडी रहे। इसीलिए मैं दिन के 2 घंटे जी को आधे घंटा करो, क्योंकि दुनिया मुझे प्यार करती है। मैं चाहता हूँ कि मैं उनका हीरो हूँ, तो आजीवन ऐसे ही हीरो बनूँगा। दूसरा नाम कौन सा है सर जो आपको लगता है कि अच्छी लेकिन आपको देख पा रहे हैं? सब लोग अपने अपने हिसाब से जिंदगी, किसी का इंटरेस्ट पेट है तो किसी का कुछ है तो किसी का कुछ है, सब लोग तो कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, मैं अपनी बातें कर सकता हूँ, किसी दूसरे का बात करूंगा तो शायद किसी को बुरा लग जाए। इसलिए अच्छा है कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, बाकी दुनिया क्या करती है, बाकी भाई हमारे क्या करते हैं, बाकी मेरे बड़े क्या करते हैं, मेरे छोटे क्या करते हैं, ये अगर उनसे सवाल करिएगा तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। का सर बोलते हैं इसी टारगेट और इसी शब्द को तोड़ने के लिए मैं मेहनत करता हूँ। लोग कहते हैं कि भोजपुरी में लोग अपने आप में ध्यान देते हैं, इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा खुद पे ध्यान देता हूँ ताकि दुनिया का ध्यान मेरे तरफ रहे। सर 2014 देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि मैं उनका कोई गार्जियन हूँ कि मैं उनको संदेश दूँ। हम भी देखते ही सीखते हैं किसी से, अगर उनको करना है या कुछ करना है तो खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। सब लोग कर रहे हैं अपने लेवल पर, उसको जो मिलता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप भी तो लड़ने वाले हैं ना 2024 में? लेकिन आप लोग भी चाहते हैं कि मैं राजनीति में चला जाऊं जी, तभी तो विकास। आपको हीरो अच्छा नहीं लगा? आप बताइए, अगर आप लोग मुझे राजनीति में भेज दीजिएगा तो इतना अच्छा अच्छा मूड कैसे हो पाएगा? मैं अभी राजनीति के मूड में नहीं हूँ और मुझे कहीं नहीं जा रहा और ना ही मुझे जाना है। अभी जब समय होगा तो इस समय आप लोगों को पहले बताऊंगा कि मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ। सर निरहुआ जी के जीवन पर लोग, बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों की, देखिए हमारे पास कुछ तो जीवन है जो हमारा भाई बन रहा है, हमारे पास कुछ तो था
कुछ तो गरीबी थी, कुछ तो हमारे पास कहानियाँ हमारी अपनी जिसपे बायोपिक बन रहा है। तो मेरी शुभकामना है कि वो बायोपिक आए, एक अलग इतिहास बनाए। मेरे तरफ से दिनेश भैया को और जो कर रहा है उसके लिए बिल्कुल मैं चाहे वो दिनेश भैया का बायोपिक हो या हमारे रवि भैया का हो या मनोज भैया का हो या किसी का भी हो तो मैं जरूर करूँगा अगर मुझे समझ में आएगा। बहुत सारी कहानियाँ बन रही है, जैसे मारिया लता, बहुत सारी कहानियाँ हैं भोजपुरी में भी, बहुत सारी ऐसी बायोपिक पर ऐसा आज आज धीरे धीरे चीजें हो रही है। हमारे सिनेमा लंदन में शुरू हो रही है आज के दिन। हम अभी बैंकॉक करके आए जो कि भी समंदर में हमने फाइट की, कम से कम 32 तला ऊपर हेलीपैड पर मैंने फाइट की, मैंने मार्केट में फाइट की, मैंने मार्केट में तो बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं। आज हमारे लिए सिनेमा बंद हो रही है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि बस आप लोगों को यही बोलना है भोजपुरी को असली बोल बोलिए। मैं सब अवसर से निवेदन यही करूँगा, आप लोग हमारी भाषा को बढ़ावा दीजिए। गलत एक ही आदमी करता है लेकिन पूरे लोग उसको, एक अच्छी चीज आती है तो 10 अच्छी चीज आती है तो कोई नहीं बोलता, लेकिन एक बुरी चीज आती है तो 10 लोग उसको बुरा बनाने के लिए बोल बोल के उसको और गंदा करते हैं। तो मैं सब आपसे भी करूँगा कि आप लोगों का दायित्व बनता है समाज की आप लोग आईना है, तो जब हम अच्छी चीज भी करें तो उसको बढ़ा चढ़ा के आप लोग बोलना चाहिए ताकि लोगों को लगे ऐसे नहीं बहुत बेहतर चीजें भी। Thank you.